Hi, this is Sonakshi Sinha and I'm coming to Delhi on the 30th of September for the India Fashion and Beauty Awards. Event organized by IFBA and managed by Talent Full On. So to all the participants, all the best and book your seats now. अगर 17.5 भी है तो वो लड़की 18 साल मानी जाएगी, बेल देगा. इसका क्या नाम है डीजे? 18 ऐसा है. मेरे क्लाइंट हैं प्रमोद शर्मा जी, जो फैशन ब्यूटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं. उसी के तहत इनका एक टैलेंट फ्यूजन कंपनी है, उसके द्वारा सोनाक्षी सिन्हा से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और 30 सितंबर को दिल्ली में ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज होना था. उसके तहत कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी पैसा था, वो पैसा करीब 38 लाख रुपये करीब था, वो रुपया इनके अकाउंटों में ट्रांसफ़र किया गया. और जिस दिन 30 तारीख को मेन प्रोग्राम होना था, टिकट्स वगैरह भी इनके कहे अनुसार कर दी गई थी. एक बार टिकट कैंसिल भी कराई इन्होंने, फिर कहा दोबारा हमारी दोबारा टिकट करा दीजिए, तो दोबारा भी टिकट कराई. उन्होंने कहा कि हम इस पर जाँच करेंगे, तो जाँच के आदेश हो गए हैं. अच्छा, कुल कितना पेमेंट किया जा चुका था? करीब 38 लाख रुपए जा चुका है और पैसा तो और भी खर्च हुआ है, जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होना था वो इनके अकाउंटों में गया है. अच्छा, तो किस किस को आरोपी बनाया गया है इस पूरे मामले में? इसके अंदर आपका एक टैलेंट फ्यूजन कंपनी है, सोनाक्षी सिन्हा है और ये एक्सीड इंटरटेनमेंट है, ये 3 लोग हैं. तो इन लोगों को हमने बनाया है, जिनके तहत ये सारा पैसे की डील हुई थी और उनको पैसा गया है. मैं इवेंट कंपनी चलाता हूँ, इंडिया फैशन ब्यूटी अवार्ड से कई साल से काम कर रहा हूँ और मेरा ब्यूटी लाइन से काम है और काफ़ी शो करवा चुका हूँ. ये मेरा शो होना था 30 सितंबर को, जो टैलेंट फुल ऑन कंपनी है अभिषेक के माध्यम से टाइप हुआ सोनाक्षी सिन्हा के शो के लिए. तो वहाँ पर मेरी बात हुई कि आपको सुना मैंने सोनाक्षी के लिए मेरे जो मेंबर्स थे ब्यूटी पार्लर के, उन्होंने सबने कहा चलो सोनाक्षी भी बुला लीजिए और सबने मिलकर हमने राय रखी कि सोनाक्षी भी बुलाते हैं अपने शो में. 30 सितंबर की मैं डेट रखी जिसमें हमें शो को सोनाक्षी सिन्हा को बुलाना था. हमारी बात अभिषेक से बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है जी 24 लाख प्लस GST आपको देना है, इसमें सोनाक्षी मैम तैयार हैं आपके लिए. हमने ठीक है जी हम देने को तैयार हैं. हमने पूरा पेमेंट सोनाक्षी जी के टेलीफोन को माध्यम से करवाया. लास्ट में पेमेंट मैंने सोनाक्षी जी के अकाउंट में भी डाली और टिकट भी बुक करवाई. सोनाक्षी एंड टाइम पर नहीं आई, हवाई जहाज की टिकट 2 बार बुक करवा चुका हूँ मैं सर. पहले उन्होंने 10 बजे का बुक करवाया, बाद में बोले जी नहीं 10 बजे का कैंसिल करो, आप हमारा 2 बजे करवाइए. सुबह 30 तारीख को सुबह 3 बजे का 8 मिनट में मैसेज आता कि हमें टिकट कैंसिल कर दिया हमने आपके, आप हमें 2 बजे की फ्लाइट दीजिए. तब भी सोनाक्षी सिन्हा मैम नहीं आई सर हमारे शो में. और पूरा पैसा जाने के बाद भी आज मेरे हालात बिल्कुल मरने वाले हैं. कोई मेरे फादर को बीमारी थी, मैंने उनका ही पैसा इस शो में लगा चुका था. काफ़ी लोगों का पैसा मैं इस शो में लगा चुका हूँ जिसकी वजह से काफ़ी लॉस हुआ मुझे. वहाँ पर मार पिटाई वगैरह काफ़ी चीज हुई, जो गाली गलौज हुई है वहाँ पर मेरी. तो आपने उनसे रीज़न जानने की कोशिश की कि आखिर क्या सर रीज़न क्या सर? कभी कहते हैं कि हवाई जहाज की टिकट नहीं मिले, जो कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं. मैंने हवाई जहाज की टिकट उन्हें भेज चुका हूँ टोटल. कभी कहते हैं जी पेमेंट नहीं मिला, मैं पेमेंट का ही प्रूफ दिखा चुका हूँ. कभी किसी को भी फ़ोन करता तो उनसे कहते हैं कि हमें हवाई जहाज की टिकट नहीं मिले, हम 2 बजे तक एयरपोर्ट पर खड़े रहे. तो मैंने उन्हें दिखाया जी देखो जी मैंने पहले टिकट बुक कर चुका हूँ. कभी कहते हैं जी पेमेंट नहीं मिले, पेमेंट की मैं डिटेल डाल चुका हूँ कि पेमेंट भी मैं पूरी कर चुका हूँ उन्हें. अब क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई है? सर वो सुनवाई तो कहीं हो नहीं रही. अब मैंने सर अब SSB के द्वारा कहा ये सर प्लीज SSB साहब महोदय जी को किसी तरह मेरे शो को सर क्या है, मेरा बहुत लॉस हो चुका है, काफ़ी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं. कभी काफ़ी लोगों का पैसा भी लगा हुआ था, मेरा भी पैसा डूब चुका है.